श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरां धस् ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमयं गुरुदेवाय धीमते सम्मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवति नामिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री देवी दैताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपाय नुग विरुधाभ सिद्धांत दंत हरि चंदन लग सिद्धांत दंत हरिणे नमो गौर विश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबदे आदाम बुजाय ते नमः तुलसी पाई बड़े तुलसी का मकर दे बड़े तुलसी का दे भागवत पाई नमः भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गबराय ते गौर आविर्भाव मिस्तन निर्देष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वांछा कल्प दरु भस्त नलगे कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कितु छोटा माइकल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे समस्त गोटी गोटी मैं आप छोटे मैंने से हम गोटी एम लंबा कर दिए विचार नहीं छोटे गुरुदेव कृपा बिंदो दिया कर दासे तृणापेक्षा अति गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर दासे तृणापेक्षा अति
सकल सहने बल दिया करा, सकल सहने बल दिया करा, निज मने प्रिया हे ना, सकल सन्मान करित सकति देहनाथ जगा जाता, सकल सन्मान करित सकति देहनाथ जगा आता बेत गाइवा हरि नाम सुखे तबेता अपराधा बेहात आता बेहे ना कृपा लभियाए जान इतर्थ इहे नाथ कबे ना किछु नाही पाई तुमार करुणा सार, योग्यता विचारे करुणा नहले कांदिया कांदिया करुणा नहले छाया सत संगा
आया सत्संग रे आए हमारे बस की संगेरा आके बस की संगेरा I'm
Thank you.
भागवत आरती कर जय जय राधे कृष्ण जी हो जाएगा था स्नान स्नान ये की करते हैं आज कर दिया उधर भागवत आरती सब 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 खड़े हो जाओ सब छिड़ाई बोल हरि बोल हरि कृष्ण पहले भगवत आरती को आरती में बात करें ना पहले इस ट्रक यहाँ नहीं होगा बंद कर लो ये हो गया ना देखो आधा घंटा जा चुका जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला Yeah.
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं
मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अशोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। यदि साउंड तक देखो देखो साउंड तक देखो क्लियर जाता है देखो हाँ ये साउंड का क्लियर है ना। एक पीछे नहीं था। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। हम सबके सब आज ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी कहते हैं, बोले परीक्षित कद एक जन्म नहीं कद जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभ्यम। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का कब जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है? बोले जब जन्म जन्मांतर का कोई सौभाग्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, बोले ये जगत में ये भागवत ग्रंथ आया क्यों जगत में? बोले जिस समय भगवान कृष्ण इसी संसार से जाने के लिए अभी तैयारी है, ठीक उसी समय में ही वहाँ पर उद्धव जी थे। उद्धव जी ने भगवान से पूछे, हे प्रभु आप तो ये जगत छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरा क्या होगा? हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे खाए घूमे फिरे एक साथ में सबके सब किया है, अभी मेरा क्या होगा? तब कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम कोई चिंता मत करो, मैं ये कलयुग में मैं ये और एक रूप में इसी जगत में मैं रहूँगा। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु कलयुग में आप किस रूप में जगत में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कदि ये भागवत ग्रंथ रूप में मैं ये कलयुग में जगत में रहूँगा। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथों को अध्ययन करे, भागवत ग्रंथों को पढ़े तो वह साक्षात रूप में मेरा ही संग उसको प्राप्त होगा। इसलिए भागवत में बताए, बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविषः कलौ नष्टादृशमेष पुराण अर्कोधुनादिक। इसमें कह रहे हैं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविषः। जब भगवान कृष्ण ये कलि भगवान कृष्ण इसी जगत से चले गए, बोले धर्म ज्ञानादिविषः, बोले धर्म और ज्ञान आदि को साथ में कदि भगवान कृष्ण कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में ही ये कलयुग में विद्यमान है। इसलिए कदि जो ये भागवत ग्रंथ को श्रवण करता है, समझो वो डायरेक्ट रूप में भगवान को साथ में ही ये साक्षात रूप में भगवत को साथ में
जीव का साक्षात्कार है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में। इसलिए ये भागवत ग्रंथ को बोले बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले भगवान के आठ स्वरूप बताया गया, भगवान जगत में आठ रूप में जगत में भगवान का विद्यमानता है। बोले आठ रूप में कैसे? बोले जैसे मंदिर में हम ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, यदि किस कभी ठाकुर जी दारू रूप में होते हैं, कभी ठाकुर जी सोने की मूर्ति होते हैं, कभी ठाकुर जी अष्टधातु रूप में होते हैं, कभी ठाकुर जी को पीतल रूप में बनाते हैं, कभी ठाकुर जी को रेती में बनाते हैं, कभी ठाकुर जी को मिट्टी में बनाते हैं, कभी ठाकुर जी को जैसे चित्रपट रूप में बनाते हैं, कभी ठाकुर जी को मनमय अपना मन में ठाकुर जी को हम हृदय में ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। इसलिए कहते भगवान का आठ रूप इस जगत में विद्यमान है। कहते आठ रूप में बल ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये किस रूप में है? बल तेन अयंग बांगमय मूर्ति। कहते भगवान कलियुग में ये शब्द ब्रह्म रूप में ये कलियुग में विद्यमान है। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजा महिभाग बतम स्वरूप। इसलिए बोले बोले तमादि देवम करुणा निदानम ये भागवत को वंदना करते हैं। कहते भागवत ग्रंथ क्या है? जैसे कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण सभी का कारणों का जो मूल कारण कहते भगवान कृष्ण है। कहते उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण समस्त कारण के कारण है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी जितने सारे पुराण का जो कारण का कारण है श्रीमद् भागवत। इसलिए गरुड़ पुराण में क्या बताए? बोले अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। यदि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बोले अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम, यदि ये ब्रह्म सूत्र का ये अर्थ है, यदि जो गायत्री का ये भाष्य है, महाभारत का ये सार है और वेदों का भी ये सार है। बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर एक बार कोई ये भागवत का रस को पान कर ले फिर तो उसको और किसी रस पान करने का उसको कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम। बल ये भागवत ग्रंथ सारे वेद पुराण उपनिषद का सार ये श्रीमद् ये भागवत ग्रंथ हैं। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम जैसे कृष्ण सर्व कारण का कारण है, कति ये ग्रंथ भी समस्त कारणों का भी कारण है, समस्त शास्त्र का निचोड़ कति ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कति अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, कहते उसका कलयुग में सबसे आसानी उपाय क्या है? बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा महिभाग बतम स्वरूपम। इसलिए ये जो संसार को बताया अपार संसार है, ये समुद्र का तो कोई कूल किनारा है लेकिन ये संसार का कोई कूल किनारा नहीं। अगर ये भागवत ग्रंथ को अगर कोई आश्रय करे बा ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई श्रवण करे तो क्या होगा? कभी आसानी से ही ये भवसागर से वो व्यक्ति पार हो जाएगा। इसलिए कभी ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसलिए अब लोगों ने श्लोक याद किया ना, पादौ जतियौ प्रथम द्वितीयौ तुर्ज्यौ। इसलिए ये श्लोक में बताया ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कहते उसमें द्वादश स्कंध युक्त ये श्रीमद् भागवत। द्वादश स्कंध में
बोले प्रथम और जो द्वितीय कहते ये भगवान कृष्ण का जैसे ये दो चरण हैं, हैं कहते प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध ये भागवत भगवान कृष्ण का ये दो चरण हैं, जो तृतीय और चतुर्थ स्कंध बोले ये भगवान की दो गुरु है, बोले जो पंचम स्कंध ये भगवान की नाभि का मंत्र, षष्ठ और सप्तम स्कंध बोले ये भगवान की दो भुजाएं, बोले अष्टम स्कंध बोले भगवान की बक्षस्थल, बोले नवम स्कंध भगवान की कंठ और दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद और एकादश स्कंध भगवान की ललाट और द्वादश स्कंध भगवान का सर। इसलिए बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये भागवत ग्रंथ ये साक्षात भगवत स्वरूप है, इसलिए कृष्ण ही कलियुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए हम जैसे भगवत गीता में कहते हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जैसे कृष्ण ये भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति, बोले जब जब इस जगत में धर्म का ग्लानी मतलब नष्ट होने लगता है मैं उसी समय में अवतीर्ण होकर के क्या करता हूँ, बोले परित्राण आय साधु नाम बिना सायच दुष्कृता। इसलिए भगवान कभी कृष्ण इसी जगत में मत्स्य रूप में अवतीर्ण हुए, मत्स्य रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने क्या किया, बोले जिस समय शंखासुर ने ये चारी वेद को हरण करके ले गया था उसी समय भगवान ये मत्स्य अवतार में आकर के भगवान ने क्या किया, ये चारी वेद उठा। कहते कुर्म अवतार में जब देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे जिस समय मंदराचल पर्वत धीरे 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 नीचे जा रहा था भगवान ने कुर्म अवतार लिया और अपना पृष्ठ ऊपर में धारण किया है। वराह अवतार में भगवान ने ये पृथ्वी को उत्तोलन किया। नरसिंह अवतार में भक्त प्रह्लाद को उन्होंने रक्षा किया। वामन अवतार में बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा किया और परशुराम अवतार में सारे क्षत्रियो को निखत्र किया। रामा अवतार में रावण को वध किया। बुद्ध अवतार में हिंसा को वध किया, नष्ट किया। और कल्कि अवतार में क्या करेंगे, सब म्लेच्छों को संहार करेंगे। इसलिए भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूपों को लेकर के जैसे जगत में धर्म को स्थापन किया उसी तरह कलियुग में भगवान ने क्या किया, भगवान ने कलियुग में कदि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में भगवान जगत में अवतीर्ण होकर के कहते कलिहत जीवों को उन्होंने भगवान कल्याण किया है। इसलिए कहते भगवान ये कलियुग में जीव को उद्धार करने के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ साक्षात ये कृष्ण स्वरूप ही भागवत है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कहते कलियुग में विशेष करके भगवान चार रूप में चार स्थान पर भगवान का विद्यमान है। कहाँ कहाँ पर है, कहते भागवत तुलसी गंगाए भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ऐ चारिसम। कहते ये चार जगह में भगवान का कलियुग में निवास है। पहला नंबर है भागवत है, दूसरा नंबर है भागवत गंगा में भगवान का निवास, क्योंकि जो गंगा है ये भगवान का ये चरणामृत भागवत गंगा है और भक्त है भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। और जो चतुर्थ जो स्थान है कहते जो तुलसी है ये तुलसी में भगवान का निवास है। कलयुग में ये चार जगह पर भगवान का निवास, उसमें एक नंबर है
कदीय श्रीमद् भागवत में ये भगवान का कलियुग में निवास है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्री राधा विनोद बिहारी जी की, श्री गिरिराज महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, गीता गौर ब्रह्मानंद कभी ये चार जगह में, कभी श्री रूप गोस्वामी, कभी ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहते हैं, कदे सकल साधन श्रेष्ठा एही पंच अंग और कृष्ण प्रेम उपज विहार अल्पसंग, कदे जितने सारे साधनों में कदे विशेष करके जो पांच अंग है, अगर थोड़ी सी कोई श्रद्धा पूर्वक ये पांच अंगों में एक अंग को कोई थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक जागरण कर ले, बात उसको भगवत प्राप्त हो जाएगा। कहते पांच अंग को क्या क्या है बताओ, क्या क्या है पांच अंग में, क्या 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 बोल जोर से। इसलिए पहला नंबर है साधु संग, उसका बाद है मथुरा वास, तीसरा है श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, और चौथा है नाम संकीर्तन, और जो पंचमा है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जितने सारे साधनों में यदि जो पांच अंग है, थोड़ी सी पांच अंगों में कोई एक अंग को अगर श्रद्धा पूर्वक कोई जाजन करे, बस उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए ये भागवत कथा को अगर कोई श्रद्धा पूर्वक थोड़ी सी श्रवण करे तो इसको क्या होगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए भागवत में बताए बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्यापनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह अपि। बोले श्रुत, श्रुत मतलब अगर ये भागवत कथा को कोई श्रवण करे, हैं बोले अनुपठित, अगर ये भागवत कथा को कोई पठन करे, अगर ये भी नहीं हो पाए बोले आदृत वा अनुमोदित, अगर कहीं कथा हो रही है कोई व्यक्ति अगर इतनी सी बात बोल दे बोले भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, भागवत कथा होनी चाहिए। आदृत वा अनुमोदित, अगर अनुमोदन कर दे भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी कोई बोल दे कहते सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी, कहते वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, हैं भले ही उसने कभी विश्वद्रोह किया, कभी उन्होंने देवताओं को अगर कभी द्रोह भी किया होगा, कहते सद्य पुनाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति क्या होता है उसी समय में ही अपना आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित होकर के वो भगवत धाम को गमन करता है। अगर केवल कोई अनुमोदन अगर ये भागवत कथा नहीं करते तो इतना बड़ी महिमा ये भागवत ग्रंथ की। इसलिए यहाँ पर बताए कि ये भागवत ग्रंथ को थोड़ी सी अगर कोई आश्रय ग्रहण करता है भागवत धर्म को, बोले न स्खले न पते दिया, वो कभी गिरेगा नहीं, कभी वो व्यक्ति की कभी पतन कभी नहीं होगा। इसलिए विशेष करके ये कलयुग में ये भागवत कथा श्रवण करने का बड़ा महिमा है, बड़ी महिमा। इसलिए हम लोगों का आज बहुत अच्छा दिन है, जो कि हम लोग सात सात दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। अभी कहती ये भागवत की जो महिमा, विशेष करके ये दो ग्रंथों में ये भागवत की महिमा है, कहते एक पद्म पुराण है और एक स्कंद पुराण है, कहते ये दो ग्रंथों में ये भागवत ग्रंथ की महिमा है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कहते ये भागवत ग्रंथ तो साक्षात भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान कृष्ण है, फिर इसकी महिमा क्या क्या जरूरत है, ये तो कृष्ण स्वयं है। बोले हम कलियुग का जीव है ना, इसलिए जो कलियुग का जो जीव है जब तक किसी चीज की महिमा को नहीं श्रवण करता है
फिर तब तक उस ग्रंथ में उसकी रुचि नहीं आती, क्योंकि हम कलिजुग का जीव, हम लोग ये कलिजुग का जीव है। इसलिए दो पुराण में इसकी महिमा आई, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ये दोनों ग्रंथ की महिमा को थोड़ी थोड़ी सुनने के लिए, ये दोनों ग्रंथ में भागवत की क्या कथा आई है। ठीक है, हम एक कीर्तन कर देते हैं, उसके बाद सुनेंगे। ठीक है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वात पत्यागि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए बोले ये भागवत की महिमा दो ग्रंथ में आया है, एक है पद्म पुराण में और एक है स्कंद पुराण में। यदि जो पद्म पुराण की जो कथा है, जब सर्वप्रथम पद्म पुराण की मंगलाचरण करते हैं, पहले किसको प्रणाम करते हैं, पहले श्री कृष्णाय वयम नमः, कहते हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में हम प्रणाम करते हैं। कहते यहाँ पर कहते केवल कृष्ण चरण में प्रणाम नहीं करते हैं, कहते श्री कृष्णाय वयम नमः, कहते श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम करते हैं। श्री मतलब क्या है, बोले श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, श्री मतलब होते हैं शोभा, श्री मतलब संपद, श्री मतलब होता है लक्ष्मी। इसलिए मूल लक्ष्मी कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पर श्री राधा कृष्ण दोनों का चरण में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अकेला माधव पूजय सो ज्ञानी राधा अनादर करे अभिमानी। इसलिए जो व्यक्ति अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं, कहते वो अज्ञानी है। और जो राधा राधा रानी की चरण को जो अभिमान ना करते हैं, हैं बोले कबहु ना कर विता कर संग और चित्त इच्छा से यदि ब्रज रस रंग, अगर कोई ब्रज रस को पाना चाहते हैं, उनको कभी अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले श्रीमती राधा रानी की चरण को साथ में ही पूजा करनी चाहिए, हैं? इसलिए यहाँ पर श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब के सब श्री जुगल सरकार की हम वंदना करते हैं।
इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जो गला किशोरा गुरु कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, इसलिए हमारा जो प्राण है श्री जुगल किशोर ही हमारी प्राण है, इसलिए राधा कृष्ण को प्रणाम करते बोले वो कौन है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, कहते उनका जो स्वरूप है सचिद और आनंद, ये तीनों मिल करके उनका रूप है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है, हमारा रूप कैसे है, खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, हमारा जो शरीर है वो पांच चीज को द्वारा बना हुआ है, मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि है, इसलिए हम मरणशील है। लेकिन भगवान की शरीर ऐसे नहीं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दुर्गम, इसलिए मेरे जो जन्म कर्म अपराकृत औलती है, इसलिए कभी कभी साधारण लोग क्या कहते हैं, अरे हम भी जैसे जन्म हुए कृष्ण भी ऐसे जन्म हुए, हम भी जैसे मरते हैं भी कृष्ण भी तो मर गए से, साधारण लोग ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, भगवान का शरीर ऐसे नहीं, सत चीत और आनंद ये तीनों मिल करके भगवान के शरीर है। सत्य मतलब क्या है, सत मतलब होता है सत्य है, चीत मतलब होता है ज्ञान स्वरूप है, और आनंद मतलब होता है ये आनंद स्वरूप है, सात चीत आनंद ये तीनों मिलकर के भगवान की ये स्वरूप है। अगर उसमें सात को निकाल दिया जाए हैं, इसलिए सात मतलब उसी संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु, और चीत मतलब होता है ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, और आनंद मतलब होता है लादिनी शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। अगर इससे सात मतलब यहाँ पर श्री संधिनी शक्ति स्वरूप श्री बलदेव प्रभु को निकाल दिया जाए, आनंद मतलब लादिनी शक्ति अगर श्रीमती राधा रानी को निकाल दिया जाए, बीच में क्या रह जाएगा, चीत। चीत रूप में उसी समय में केवल कृष्ण है, उस समय अगर ये आनंद नहीं रहे सत नहीं रहे फिर तो वो ज्ञानियों का उपास्य है, तो निराकार निर्विशेष निरंजन स्वरूप श्री ब्रह्म स्वरूप, अगर उसमें सत और आनंद घटा दिया जाए, इसलिए भगवान तभी पूर्ण है जब ये सत चित आनंद जब तीनों मिले तभी भगवान की ये दिव्य स्वरूप है। इसलिए सचिदानंद रूपाय तद विश्वोत्पत्यादि है तवे, बोले भगवान कृष्ण कौन है, ये जगत का सृष्टि स्थिति को प्रलय करने वाले भगवान कृष्ण ही सचिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि है तवे, बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नुम, इसलिए जो भयम नुम जो शब्द यहाँ पर है, नुम मतलब क्या है, संपूर्ण अहंकार को छोड़ करके संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत, अगर भगवान के चरण में अगर संपूर्ण रूप में हम शरणागत हो जाएंगे होने पर क्या होगा, बोले ताप त्रय विनाशाय, जगत में जो आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक ये जो तीन तरह का जो दुख है ये सब के सब भगवान की चरण में शरणागत होने पर समस्त दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसे जो जुगल सरकार हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं, बोले श्री जुगल सरकार की जय, बोले राधा कृष्ण की जय। तब यहाँ पर श्री कहते हैं घोर कलयुग आ रहा है, ये घोर कलयुग से हैं कहते काल व्यालम मुखम त्रास त्रास निर्नस है तवे, कहते काल ही समझो एक व्याल बन करके, व्याल मतलब होता है एक सर्प बन करके क्या कर रहा है, ये जीवों को धीरे 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 ग्रास कर रहा है, कहते ये काल रूपी व्याल से
अगर जीव को उधार पाना तो क्या करनी चाहिए? कहते ये कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को जो आश्रय ग्रहण करे, कहते वही व्यक्ति केवल ये क्या काल रूपी जो ब्याल है, सर्प है, केवल वही व्यक्ति ही यहाँ से निकल सकता है, नहीं तो कलयुग से निकलना बड़ा कठिन है। जो भागवत को आश्रय ग्रहण करेगा वही केवल ये काल से अतीत जा सकता है। इसलिए केवल जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने श्रवण कराया, जब ये भागवत कथा समाप्त हो गया और समाप्ति में लास्ट में गोलोक वृंदावन से सुंदर एक विमान उतर कर गए और परीक्षित महाराज एक सुंदर राधा रानी की एक सखी रूप धारण करते हुए रथ में बैठे और उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को पार करते 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 उन्होंने जब ब्रह्मलोक को उन्होंने पार करते हुए जब उन्होंने गोलोक वृंदावन में गए, ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये परीक्षित महाराज तो कुछ ही नहीं किया, वो केवल बैठ बैठ कर कथा सुना, तो कुछ किया ही और कथा समाप्ति हो गया तो क्या हुआ, राधा रानी की एक दासी बन हैं, दासी बन करके सारे लोगों को पार करते 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 कहाँ चले गए, गोलोक वृंदावन सीधा, केवल कथा सुन करके। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, तब उन्होंने ये भागवत कथा की महिमा क्या है इसको समझने के लिए उन्होंने एक तराजू लाया, तराजू का एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म है, स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, तालाब खनन करना, जगत का जितने दान पुण्य, जगत का सारे दान पुण्य को तराजू के एक तरफ में धर दिए और दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा सुनने का महिमा को जब धरा, देखा जितने सत्कर्म जगत का सबके सब हल्का होकर गुड़ गए और जिधर भागवत कथा की महिमा धरा था वो एकदम पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहता है, ऐसे को तेज जमा रहा। परीक्षित महाराज समझ गए कलयुग में ये भागवत कथा को जो श्रवण करते हैं इसके बराबर जगत में कोई पुण्य हो ही नहीं सकता, इसे जगत में सबसे बड़ा जो पुण्य है जगत में कलयुग में, यदि ये भागवत कथा श्रवण करना उसको ये चीज पता चला, तो उन्होंने ब्रह्मलोक में आदेश दिया। बोले क्या आदेश दिया? बोले आज से ये ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर ये कथा चलनी चाहिए, ये कथा बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कौन है, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी कौन है, स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिल मनु, उसमें ब्रह्मा स्वयं 12 महाजन में एक महाजन कौन है, तो ब्रह्मा स्वयं। फिर जो चतुष्पद वो भी परम भागवत है, फिर वहां पर नारद जी ब्रह्मा की संतान वो भी परम भागवत है। इसलिए बोले भैया यहाँ पर तो नित्य निरंतर ये भागवत कथा हर समय चलनी चाहिए, ये भागवत कथा बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर ये भागवत कथा चलती रहती है भागवत कथा। इसलिए कहते ये श्रीमद् भागवत कथा को कहती है नारद जी सर्वप्रथम उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से श्रवण किया था, लेकिन 7 दिन जो नियमित पूर्वक जो ये कथा को उन्होंने चतुर्सन से कथा सुनी। जब ये बात को हैं कहते श्री सौनकार ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, कहते भैया नारद तो मुक्त महापुरुष है, फिर उनको ये नियमित पूर्वक उनको ये 7 दिन कथा सुनने का क्या जरूरत है? जब उन्होंने ये प्रश्न किया तब से सुत गोस्वामी इसका कारण बताते हैं क्यों उन्होंने कथा सुना। बोले एक दिन नारद जी उन्होंने देखा कि जो मर्त्य जगत है, ये मर्त्य जगत यद्यपि ये मर्त्य जगत है लेकिन ये मर्त्य जगत को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, अब विशेष करके जो भारतवर्ष है इसका तो विशेष नहीं, इसका नाम भारत क्यों है? बोले भा मतलब होता है प्रकाश, रत्न मतलब होता है जो हर समय प्रकाश का तरफ में रहते हैं, इसलिए भागवत की जो भारतवर्ष कहते जितने पृथ्वी में जितने लोग हैं ये भारतवर्ष जैसे वर्ष जगत में कुछ नहीं, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते ना
संपूर्ण पृथ्वी में ये भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है और उसमें नवद्वीप धाम विशेष करके सर्वश्रेष्ठ है। कहते भारत का क्यों इतना श्रेष्ठ है, आप किसी विदेश में जाओ कोई एक भी पुण्य नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितने भारत में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कहाँ पर भारत में, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया जो सात गुरी कहाँ पर है भारत में, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ पर है भारत में। इसलिए और जो चार धाम है क्या क्या है, तब चार धाम जगन्नाथ पुरी एक है, द्वारका है ना, रामेश्वर है और एक है बद्रीनाथ। कहते ये चार धाम कहाँ पर है भारत में। इसलिए कहते हमारे भारत में 6 अरब तीर्थ है, कितना 6 अरब तीर्थ भारत में, इतना तीर्थ और कहीं नहीं। इसलिए हम लोग कहीं पे विदेश जाते हैं घूमने के लिए, बद्रीनाथ कौन कौन गए, बद्रीनाथ हाथ उठा तो बद्रीनाथ कौन कौन गए, बद्रीनाथ कितना सुंदर है, तो बद्रीनाथ जाओ ना लगता है जैसे एकदम पूरा आकाश जैसे पूरा पृथ्वी में लगा हुआ है। कभी कभी बीच बीच में इतने सुंदर सुंदर सिनारी, कैसे झरना कैसे झरझर कर बह रही, चारों तरफ में कैसे हरियाली, वृक्ष पहाड़ पर्वत, कितना सुंदर मनोरम स्थान है बद्रीनाथ। जब जाओगे केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, कोई कोई विदेश घूमने जाते हैं लेकिन जब भारत एक बार घूमेगा ना पहले ही जाएगा। इसलिए कहते ये जो भारत है ये पृथ्वी का ये सर्वश्रेष्ठ धाम, नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाही जहाँ अवतरण चैतन्य गोस्वामी। कहते नवद्वीप है न धाम त्रिभुवन नाही है, नवद्वीप जैसे जो गांव है कहते त्रिभुवन में ऐसे गांव कहीं है ही नहीं जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण किया है, है? इसलिए ये नारद जी देखा संपूर्ण पृथ्वी में सबसे जो पुण्य धाम है श्री भारत वर्ष है, इसलिए उन्होंने नारद जी इसको पुण्य भूमि मान करके उन्होंने भ्रमण करते करते कहाँ पर आए, कहते उन्होंने श्री ये भारत भूमि में आए। लेकिन जब उन्होंने भारत भूमि में आए उन्होंने सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन जब भ्रमण किया सर्वत्र देखा ही जो कली किसी को ये कली नहीं छोड़ा, कली हर जगह में अपना प्रभुता को विस्तार करते हुए जगत में ये सब जगह को उन्होंने एकदम अपना कवल कवलित करके बैठा हुआ। जब उन्होंने किसी तीर्थ स्थान में गए देखा क्या देखा, मुसलमान लोग जैसे राम जन्मभूमि है उसको तोड़ फोड़ करके वहाँ पर अपना मस्जिद बना दिए, मथुरा में जा करके देखो उसमें भी कृष्ण का जन्मभूमि तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बना दिया काशी। इसलिए काशी विश्वनाथ जब गए वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ भी है वहाँ पर भी दखल कर लिया। इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ गए ना उन्होंने देखा हर जगह में ये कली किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, जिस तीर्थ स्थान में गए वहां पर भी कली का निवास है, हैं? इसलिए उन्होंने जब सब जगह में कली पर गृहस्थी घर में गए वहां पर देखा बोले घर बिगाड़े आला और नहीं दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला। इसलिए उन्होंने देखा घर में जो परामर्शदाता है ना, परामर्शदाता कौन है, साला जो बोलता है घर में वही बात होता है, पिता माता की बात संसार में पिता माता की बात नहीं चलता है, साला की परामर्श से ये संसार चलता है, साला की परामर्श से फुलमला। इसलिए साला की बात में ये संसार चलता है और इन्होंने जब किसी तीर्थ स्थान में गया वहां पर भी कली का निवास देखा, तो उन्होंने सोचा मठ मंदिर में जाए, उन्होंने मठ मंदिर में भी गए देखा कलयुग में हैं, जैसे पहले पहले हम सुनते थे, पहले पहले क्या सुनते थे, बड़े जो साधन भजन करने वाले लोग बड़े साधन भजन लोग करते थे, साधु आचरणशील लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने देखा ये कलयुग में साधु लोग भी कलयुग में अभी कोई आचरणशील नहीं रह गए हैं। उन्होंने देखा अब विशेष करके जो स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी ये सब चीज़ आ करके ना
यदि ये मठ मंदिरों को भी इसने ये ग्रंथ को ये मठ मंदिर में को भी ये सब चीज उन्होंने गड़बड़ी करके रखा। उन्होंने देखा कलयुग में कोई है जोगी भोगी कुछ है ही नहीं, कलयुग में सब जगह पर, और कलयुग में पंडित लोग, देखा कलयुग में कोई ज्ञानी संस्कृत पढ़ने वाले पंडित लोग भी कलयुग में कोई नहीं। उन्होंने देखा पूरा ये कली सारे दुनिया को कली एकदम नष्ट करते हुए रखा उन्होंने। इसलिए नारद जी ने सोचा भैया जो वृंदावन धाम है ये भगवान का धाम है, इसलिए एक बार मैं वृंदावन धाम जाकर के देखता हूँ, क्योंकि जो वृंदावन धाम है भक्ति नृत्यति जत्र च है, इसलिए जो वृंदावन धाम जहाँ पर भक्ति देवी नृत्य करती रहती है, इसलिए वृंदावन क्या है, बोलिए आनर हृदय मर मोर मन वृंदावन। ये वृंदावन नहीं, यदि राधा रानी स्वयं कृष्ण क्रीड़ा के लिए उन्होंने वृंदावन को अपना हृदय को ही वृंदावन धाम बना कर रखा, इसलिए वृंदावन मतलब वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, और वन मतलब होता है वन जहाँ तुलसी की वन है। अब वृंदा मूल वृंदा कौन है, राधा जी का एक नाम वृंदा है वृंदा, इसलिए वन मतलब जो ये राधा वन वृंदावन श्री राधा वन श्री वृंदावन है, और वृंदा मतलब होता है भक्त वृंदा, अवनी अवनी मतलब है जब कोई भक्त वृंदावन में आते हैं उनको जो भरण पोषण करने वाली ये श्री वृंदावन धाम है। इसलिए उन्होंने सोचा एक बार मैं वृंदावन जाकर के देखता हूँ वृंदावन का क्या स्थिति। उन्होंने भ्रमण करते करते वृंदावन में आए, अब वृंदावन में जब यमुना किनारा में आए उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। बोले क्या देखा, बोले एक सुंदर युवक बैठी हुई, उनकी बगल में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, और जो बीच में एक सुंदरी जो एक देवी बैठी हुई, कुछ सखियाँ कोई चामर गजन कर रही हैं, कोई पंखा झुला रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। नारद जी जब देखा कुछ लोगों को इकट्ठे होते हुए, सोचा ये वृंदावन धाम लगता है यहाँ पर कोई सत्संग होता होगा। तब नारद जी जब वहाँ पर गए देखा वो सत्संग नहीं, वहाँ पर तो रोना धोना लगा है, वहाँ पर सब रोना धोना। बोले भैया संतों को ये रोना धोना से क्या मतलब है। तब नारद जी जब वहाँ से वापस जा रहे थे वो जो बीच में एक सुंदरी एक युवती बैठी हुई, बोले हे साधु बाबा, बोले भो भो साधु खणम तिष्ट मत चिंता पिनाशे, हे साधु बाबा आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य था क्योंकि जीवन में जो सत्पुरुषों का जो दर्शन है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम करम, जीवन में जब किसी साधु का दर्शन मिल जाए क्या समझो जीवन का सारे पाप हमारे नष्ट हो गया, और बड़े भाग्य से किसी साधु का दर्शन मिलता है। आप तो कृपा करके आए दर्शन दिया फिर जा रहे वापस जा रहे, इसलिए साधु बाबा थोड़ी सी रुक जाओ। तब नारद जी वहां पर रुक गए। नारद जी पूछे आप कौन हो, आपका क्या परिचय है। बोले आप क्या मेरे को भूल गए हो। बोले नहीं लगता है तो कभी आपको दर्शन किया है लेकिन मुझे याद नहीं आता है आपको कहाँ मैंने दर्शन किया। तो वो अपना परिचय देता है, अहम भक्ति कीर्ति ख्याता इमो में तनम, इसलिए मेरी नाम है भक्ति देवी, और जो दो बगल में जो लेटे हुए जो वृद्ध देख रहे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। बोले नारद कि जगत में ये नियम है, माँ क्या होती है, माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुख की बात तो देखो मैं माँ लेकिन मैं जवान ही हूँ, और देखो मेरे दो दो बेटे हैं ये कैसे दोनों कैसे बूढ़े हो गए हैं, कैसे ये बूढ़े हो गए इतने में, तब ऐसे कैसे हुए, तब उन्होंने इसका कारण बता दिया। और दूसरा बात समझाते हैं, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, कहते मेरा नाम तो भक्ति है लेकिन ये जो दो बेटे हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। तो यहाँ पर कहते हैं कहते ये भक्ति की ये दो बेटे हैं, कहते भक्ति के दो बेटे मतलब क्या,
अगर कोई इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो उनको ये दो बेटे जरूर होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? एक ज्ञान होनी चाहिए, एक वैराग्य होनी चाहिए। अगर ये दो बेटे जरूर होनी चाहिए भक्ति की, तब यहाँ पर कहते हैं बोले भैया भक्ति की ज्ञान वैराग्य कैसे दो बेटे हो गए? क्योंकि ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान कहते बोले भक्ति से भगवान मिलते हैं। ये ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर ये ज्ञान वैराग्य दो बेटे कैसे? कभी यहाँ पर ये जो ज्ञान है कभी जीव ब्रह्म ही तो जो ज्ञान है, जो जीव अंतिम समय में ब्रह्म में जो लीन हो जाना चाहते हैं, यदि ये ज्ञान ये नहीं, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यदि ये भक्ति को पुष्ट करने वाले ये ज्ञान है, भक्ति को पुष्ट करने वाले ये ज्ञान। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं, बोले ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान क्या करती है? ये भक्ति को पुष्ट करती है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चिते नाकर आलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए ज्ञान कठिन है। जैसे महाराज अभी हम लोग को गीता पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? गौड़ीय कंठा श्लोक याद करने में कठिन लगता है, लेकिन लग रहा है तो कठिन है, लेकिन ये ज्ञान क्या करने वाले? ये भक्ति को तुम्हारी पुष्टि करने वाले, भक्ति को विनाश करने वाले ये ज्ञान नहीं। और जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब क्या है? कदिया विशेष पूर्वक अनुराग, ये शुष्क वैराग्य नहीं। इसलिए वैराग्य पांच तरह का बताए, कितने तरह का है? क्या क्या है? एक है श्मशान वैराग्य, और एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है फल्गु वैराग्य, एक होता है प्रसव वैराग्य, और एक होता है युक्त वैराग्य। हैं? इसलिए युक्त वैराग्य मतलब क्या है? भक्ति के अनुकूल में, हैं? भक्ति के अनुकूल में जितना जरूरत है कृष्ण सेवा के लिए उतना ग्रहण करते हुए क्या करो? भगवान की भजन करनी चाहिए। इसलिए जो ज्ञान वैराग्य है, हैं? कहते भक्ति के दो बेटे हैं। कहते अगर ये दो बेटे, अगर ये बूढ़े हो गए ना दो बेटे, भक्ति क्या कर रही थी? रो रही थी। ये भक्ति रो रही थी। क्यों रो रही थी? इसका तात्पर्य है, अगर हमारी शास्त्र ज्ञान नहीं है फिर तुम्हारी भक्ति दृढ़ नहीं होगा। अगर हमारे अंदर में वैराग्य नहीं है, हैं? महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रदान कर, ज्यादा भोग वस्तु हो फिर तो भक्ति नहीं कर सकते। फिर तेरी भक्ति क्या करेगी? ये भक्ति रोती रहेगी, भक्ति बढ़ नहीं सकती है। इसलिए ये दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। बोले तुम्हारी ये स्थिति ऐसे कैसे हुई? तो वो अपना बात बताते हैं। बोले उत्पन्ना द्रविड़ेश अहम वृद्धि करना टके गता कोचित कोचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़ेश अहम, बोले द्रविड़ देश में तो मेरी जन्म हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में जाकर मैं बड़ी हुई। मतलब भक्ति को कोई आदर करने वाले मिले। बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, बोले महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरी आदर हुई है। मतलब भजन करने वाले कुछ लोग मिले, लेकिन गुजरे जन्नत आम गता। लेकिन मैं जब गुजरात गई ना, एक तो बूढ़ी हो गई। बोले बूढ़ी क्यों हो गई? बोले वहां पर किसको मैंने भक्ति करते हुए नहीं देखा। कहीं ठाकुर का सेवा नहीं, पूजा नहीं, आरती नहीं, ठाकुर जी कहीं कथा नहीं। अगर कोई चोटी धारी तिलक धारी कड्डी धारी आ जाए ना, बोले क्या क्यों बाबा, क्या तिलक किया कोई बगुला कोई टाटी कर दिया है? बोले ये चोटी किया कोई एरिया ले है, गले में कंठी पहन लिया तो बोले कौन सा पाप के गले में ये लकड़ी क्यों पहन कर दिया? जब तक उसको पीछे लग करके उसको देश से निकाल नहीं दे तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते। तो कितने दुष्ट लोग पहले ही गुजरात में रहते थे। इसलिए बोले गुजरात में आकर के एकदम मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन अभी अगर आप गुजरात जाओगे वहां पर देखोगे, भारत में अगर सबसे कहीं भक्ति की परिवेश ना गुजरात में देखोगे, गुजरात में देखोगे। बोले क्यों कारण किया? बोले वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जाते हैं, वहां पर वल्लभाचार्य तुकाराम नरसिंहकर हैं, तो वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म हुए। बोले जहां पर एक साधु जन्म हो जाए ना, उसको प्रभाव से
कोटि जोजन निस्तारे, करोड़ जोजन तक उसका प्रभाव से उधार हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े साधु जन्म वहां पर हो गए। इसलिए अभी वहां पर इतने और सबसे ज्यादा धनी लोग देखोगे बिजनेस मैन, कहाँ देखोगे? गुजरात में देखोगे, गुजरात में देखोगे ज्यादा धनी लोग बिजनेस मैन वहीं पर देखोगे। बोले क्यों? बोले जहां पर ज्यादा भक्ति हो ना, जहां पर ज्यादा प्रभु का भजन हो, बोले वहीं पर ज्यादा लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा पूजा करेगा, ठाकुर जी की सेवा में लगाएगा बढ़िया बढ़िया खाना, तो माँ लक्ष्मी क्या करेगी? बोले तुम मेरे प्रभु को सेवा कर रहे हो, लो खूब पैसा, लो खूब पैसा लेकर क्या करो, ठाकुर जी की तुम सेवा करो। इसलिए जितने ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर क्या करेंगे, उतना ठाकुर जी हमें देते हैं। इसलिए गुजरात में देखो भक्ति करने वाले ज्यादा लोग हैं, इसलिए पैसा वाला भी ऊपर जाता है, हैं? इसलिए अगर पानी में अगर ज्यादा नाव में ज्यादा पानी हो रहा है, कर्तव्य क्या है, पानी को बाहर फेंको। पानी में ज्यादा फेंको नहीं तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा पैसा है, पैसा को क्या करो, दोनों हाथ से उसको दो, दोनों हाथ से देने से क्या होगा, फिर तो नाव क्या होगा, डूबेगा नहीं, नाव डूबेगी नहीं, नाव सही चलेगी, हैं? इसलिए ज्यादा बिजनेस मैन ज्यादा पैसा वाला ऊपर है। शिक्षा देते हैं, अगर चाहते हो जितने टाटा बिरला जितने व्यक्ति देखोगे ना, बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े मंदिर ठाकुर जी की, जितने बड़े बड़े मंदिर देखोगे वही लोग सब बनाए हुए। इसलिए एक कदम में गुजरात में आकर के वृद्धा हो गई। लेकिन पुनः जब वृंदावन में आई हूँ, ठहर में तरुणी बन गई, क्योंकि भक्ति नृत्यति जत्र च वृंदावन धाम राधा रानी की हृदय है। इसलिए मैं वृंदावन में फिर में युवती हो गई। लेकिन मेरे जो दो बच्चे है ना, ये ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। बोले वृद्ध क्यों हो गए? बोले वृंदावन में ये ज्ञान वैराग्य को पूछने वाले कोई है नहीं, यहाँ तो भक्ति को पूछने वाले, ये तो भक्ति स्थान है वृंदावन धाम, ये भक्ति के स्थान है। इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। इतने में नारद जी बोले, कोई चिंता मत करो, हैं, भगवान की शरण में जाओ। जब द्रौपदी ठाकुर जी की शरण में गई, भगवान उसको लाज बचा, हैं, लाज बचा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी ये दोनों बच्चों को मैं जवानी बना दूंगा। भक्ति कहती है, अगर जवानी बना दोगे ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारी हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाओ। इसलिए नारद जी उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके जोर जोर से उनको कानों में जोर जोर से बोले, लेकिन किसी तरह से उनको चेतना नहीं हुई। लेकिन जब भगवत गीता बोले, उन्हें थोड़ी सी आँख को खुले। लेकिन जब गीता समाप्त हो गया, धड़ाम करके कर गई। नारद बोले, भैया गीता सुगीता कर्तव्य की मन नहीं, शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्मनाभस मुख पद्मम विनिर्सित। ये गीता भगवान की मुखनिर्सित वाणी, लेकिन ये गीता में भी नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई, कारण किया? बोले गीता में वहां पर 18 अध्याय, इसलिए 6 अध्याय कर्म, 6 अध्याय ज्ञान और 6 अध्याय भक्ति, बीच में भक्ति है। और वहां पर जो भक्ति है ना, वो शुद्ध रूप में वहां पर प्योर भक्ति को स्थापन नहीं की गई, कहीं कर्म मिश्रा भक्ति, कहीं ज्ञान मिश्रा भक्ति। इसलिए ये गीता सुन करके भी उनको चेतनता नहीं हुई, तो बड़ा विकल हो गए। सर्वत्र भ्रमण किया, सबको पूछे, लेकिन कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन जब चतुसन के पास में गए, बोले ये भागवत कथा श्रवण कराओ, ये भागवत कथा से उनको ज्ञान होगा। बोले भैया, जब मैंने वेद पुराण उपनिषद ये सारे ग्रंथ सुना दिया, क्योंकि भागवत क्या है, अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष रूप सो वेदार्थ परिवर्णित। ये भागवत तो सारे वेद पुराण का सार है। जब मैंने ये सारे ग्रंथ सुना दिया, जब चेतनता नहीं भाई भागवत से क्यों होगा, तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए। बोले जैसे आपको आम खाना है, आप बोलोगे भैया पत्ते में भी तो रस है, वही उसका टहनिया में तो रस है, वही रस जब फल रूप देता है वो आम बनता है, हैं? वही बनता है। लेकिन ऑलरेडी तो हमने ये भाग उनको दूसरे दूसरे ग्रंथ सुना दिया। कहते नहीं, कहते वो फल में जो आनंद रस है, वो जितने भी वो रस पत्ते में और टहनिया में है,
लेकिन आम का स्वाद तो आपको आम नहीं मिलेगा, इसलिए भागवत क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये वेद का ये पका हुआ फल भागवत में, इसलिए भागवत में जो रस है और कोई रस है नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे दूध में घी है, आपको बोले भैया पूरी छाकूंगा, घी ले आओ, तो उन्होंने 20 किलो दूध रख लिया, बोले ये दूध क्यों ले आए, बोले इसमें तो घी है ना, बोले भैया पूरी बनाओ तो दूध में नहीं बनेगा, किससे बनेगा, वो घी में ही पूरी बनेगा, वो दूध में जितने भी दूध में घी है लेकिन वो घी में जो काम होगा ना वो दूध में नहीं होगा। उसी तरह ये भागवत में जो रस है वो रस और कहीं है नहीं, इसलिए बोले बोले क्यों नारद जी क्या भूल गए हो, जब व्यास देव स्वयं सारे ग्रंथ रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, शांति मिली कैसे, आप ही तो आकर बताए थे ना कि भागवत ग्रंथ रचना कर, बोले हाँ तो क्या भूल गए हो, वाह बोले ऐसे क्यों, कारण है यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले भैया जब तक कि साधु का शरण में नहीं जाओ, नारद शिक्षा देते जब तक कि शुद्ध साधु परंपरा में नहीं जाओ तब तक कुछ होने वाला नहीं, इसलिए भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने हैं, इसलिए उन्होंने बोले ठीक है फिर कथा आप ही सुनाओ, बोले ठीक सुनाऊंगा, बोले कहाँ सुनाओगे, बोले हरिद्वार का आनंद नाम घाट में ये कथा होगी, जब सुने कथा होगी कौन कौन आए, बोले पहले सबसे पहले वैष्णव लोग आए, क्यों, ये जो ग्रंथ है जत वैष्णव नाम प्रियम, भागवत किसकी ग्रंथ है, ये वैष्णव का ग्रंथ है ये भागवत, इसलिए सर्वप्रथम वैष्णव लोग दौड़ दौड़ करके आए, फिर और कौन आए, बोले ब्रह्म लोक से स्वर्ग लोक से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जितने बड़े बड़े साधु संत थे और जितने दंडकारण्य आदि वन अयोध्या मथुरा गया गंगा है हरिद्वार इस सबके सब मूर्तिमान रूप में कथा सुनने के लिए आए, और जो नहीं आए ना अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले सुना है चतुसन भागवत हरिद्वार में कर रहे हैं, भैया बड़े भाग्य से ये भागवत कथा सुनने को मिलता है, चलो सबके सब श्री भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे, सबको लेकर के कथा सुनने के लिए आए। अभी चतुसन कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में देखा स्वर्ग से एक ज्योति को उतरते हुए, वो ज्योति जब धीरे 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 नीचे आया, देखा ये कौन है, कहते श्री भक्ति देवी और दोनों उनका बेटे ज्ञान और ये वैराग्य। इतने में श्री भक्ति देवी कहती हैं, भैया मुझे भी कहीं स्थान तो बैठने के लिए, बोले आपका स्थान है यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हुए हैं उनके हृदय में आपका स्थान है, भक्ति देवी सभी के हृदय में बैठी गई, भक्ति देवी कौन है, ये राधा रानी का स्वरूप है, इसका तात्पर्य यह है जो कथा सुनते हैं उनका हृदय में कौन बैठी हुई होती है, राधा जी की स्थान है, जब भक्ति देवी सभी के हृदय में बैठ जाए फिर तो आनंद ही आनंद है, वहां पर आनंद आनंद ही है। जब कथा शुरुआत होने जा रहे थे स्वर्ग लोग से देवता लोग धुंधुली बजाए नागड़ा बजाए, स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की बौछार किए और भागवत की जयकार दिए, बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय, अरे जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय। इसलिए सारे देवता लोग पुष्पों की बौछार कर रहे थे। यहाँ शिक्षा देते हैं तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है अगर कहीं ये भागवत कथा होना तो सारे देवता लोग प्रसन्न होते, सारे देवता लोग भी खुश हो जाते प्रसन्न होते, क्यों, बोले भागवत जहाँ होता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचुतादर कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर वहीं पर बैठ जाते हैं और सब के सब भागवत कथा सुनते हैं। इसलिए बोले सदा से प्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयम, जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करते हैं उनका हृदय में भगवान के निवास हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने जब श्री चतुस्सन ने ये भागवत कथा सुनाए भागवत कथा की जब विश्राम हो गई तब भागवत का फल क्या है इसमें बता रहे हैं, ये भागवत अगर कथा सुनेगा तो जीवन में मिलेगा क्या, इसमें शिक्षा दे रहे हैं। जब ये भागवत कथा विश्राम हुई
गोलोक वृंदावन से स्वयं जुगल सरकार राधा कृष्ण अपना परिकरों को साथ में साक्षात प्रकट हो गए। वहां पर जब सबके सब प्रकट हो गए और वहां पर अर्जुन स्वयं प्रकट होकर के मृदंग बजा रहा था हैं, और श्री उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे, नारद जी प्रकट होकर के वहां पर अपना वीणा बजा रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी तो इतने प्रसन्न होकर के जैसे जैसे कीर्तन हो रहा था ना, सुखदेव गोस्वामी ठीक ठीक उसके अनुरूप सुखदेव गोस्वामी वहां नृत्य कर रहे थे। यहाँ शिक्षा देते हैं जहाँ भागवत का फल क्या है, साक्षात गोलोक वृंदावन से जुगल सरकार के दर्शन, और सारे भक्त वहां प्रकट होकर के ठाकुर का कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि 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 सबको उद्धार हो गया। यहाँ पर कहते हैं जो ऋषि मुनि उनका तो उद्धार हुआ ही है, कहते वहां पर जितने पशु पक्षी कीड़े मकड़े थे ना उनको भी सदगति हो गया। इसको देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले एक प्रश्न का उत्तर था, बोले बोलो
मतलब अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो उसको किसी तरह से उद्धार नहीं हो रहा है, किसी तरह से मुक्ति नहीं मिल रही, क्या ये भागवत कथा से प्रेत योनि में जो पड़ा हुआ उसको उद्धार हो सकती है? चतुर्सर ने कहा कि ऐसे प्रश्न कर रहे हो, जब भगवत कथा सुन करके भगवत भक्ति भगवत प्रेम और जब साक्षात भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत धाम को गए और ये प्रेत योनि में पड़ा हुआ उसको उद्धार नहीं होगा। बोले ठीक है, जब तुमने प्रश्न की इसका भी मैंने कथा सुनाता हूँ। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी आत्मदेव का उन्होंने कथा सुना, अभी हमारे श्री बोधायन महाराज जी इसकी कथा सुनाएंगे आपको और कैसे उनका उद्धार हुई और भागवत की महिमा सुनाएंगे। श्रीमद्भागवत कथा मृतमुखी श्री सुखदेव गोस्वामी की श्री परीक्षित महाराज की। अरे तुम लोग बाहर क्यों बैठो, अंदर में आ जाओ। अरे एसी तो क्या हो गया, लोग एसी खाने के लिए इतना पैसा देते हैं, तुम लोग अंदर में जाओ। इस गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलुकलमसनाशय जह्नवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणान्तिकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहेनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामान्दितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि
श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणाबारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद व्यासगति व्यासासन पे आसीन पूज्यपाद महाराज जी श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करूँगी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सारी वैष्णव वृंद ब्रह्मचारी वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधरूंगा यथार्थ प्रणाम स्वीकार। बड़ी सौभाग्य की बात है ये पुरुषोत्तम धाम में और जगन्नाथ महाप्रभु की ये विशेष ये जो एक महीना है स्नान पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा ज्येष्ठ स्नान पूर्णिमा से आषाढ़ महीना जगन्नाथपुरी धाम में आनंद महोत्सवी महोत्सव है। जगन्नाथ महाप्रभु वृंदावन यात्रा करते हैं कुरुक्षेत्र से वो वृंदावन अपना घर में चलते हैं जहाँ पर नंद जसोदा गोप गोपी सीताम मधुमंगल सब है। तो इसलिए और संसार में दो प्रकार की संसार विश्व वृक्षस्य दो फले अमृतोपमे केचित केशवे भक्ति केचित संत समागम कि ये दो वस्तु संसार यद्यपि विषय संसार है और वो विषय संसार विष वृक्ष के समान है इसमें लेकिन दो विष वृक्ष होने पर भी फल लेकिन बड़ा अमृत है। सारी फल नहीं दो फल अमृत है क्या है एक तो कदाचित केशवे भक्ति भक्ति अंग पालन करने का सुयोग मिल गया हरि नाम कीर्तन करना हरि नाम जप करना धाम में वास करना भगवान की अर्चन पूजन करना तो ये पहला अमृत फल है। और दूसरा अमृत फल ये है संत तद भक्त संग समागम भगव केशव की भगवान की भक्त का समागम हो गया तो ये दूसरा अमृत फल है। तो हम लोग का तो बड़ी सौभाग्य है कि अभी हम सारे विश्व में विपत्ति है महामारी फैला हुआ है इसके वजह से सरकार लोगों के लिए लॉकडाउन भी किए हैं तो लॉकडाउन के कारण भी हम लोग बाहर जा नहीं पाए कहाँ कहाँ साधु संत वैष्णव लोग जा नहीं पाए प्रोग्राम करने के लिए भक्त लोग अपना घर में है और वैष्णव लोग भी अपना गुरुदेव जहाँ पर आश्रय दे वहाँ पर है मठ मंदिर में। तो कथा तो चल रहा था लेकिन बड़ी सौभाग्य कि हर समय तो भागवत कथा सुनने मिलता था कभी कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ कीर्तन करने के लिए और महाराज जी अभी किस प्रकार ये व्यवस्था हुआ भक्त लोग हालांकि के कुछ भक्त लोग अपना पितृ लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाए श्यामा प्रिया दीदी और उनके परिवार तो उनका तो मंगल होगा उनके पितृपुरुषों के मंगल तो होगा ही क्योंकि भागवत इस प्रकार वस्तु है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ हमारा ही मंगल पहले हो गया क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिला। तो ये महाराज जी तो कथा बोलना था हमको श्रवण करना था लेकिन महाराज जी बड़े उदार हैं और दयालु हैं तो हमको भी ऊपर इसमें व्यास गति पे बैठाए और कुछ कथा बोलो। तो हम भागवत की
थोड़ा बहुत महाराज जो आदेश दिए वैष्णव के उनके आदेश के पालन करेंगे, जितना जो कुछ हमको गुरुवर्ग से सुना है और भागवत से थोड़ा बहुत अनुशीलन किए उसके हिसाब से हम बताएंगे। भागवत ग्रंथ सचमुच ऐसा ग्रंथ है कि भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति कहा गया, भगवान की शाब्दिक अवतार है। ऐसा कोई मिट्टी में मूर्ति बनाते हैं, कोई किसमें मूर्ति का सोने का मूर्ति होती है, लेकिन भागवत ऐसा है भगवान की वाणी की मूर्ति है, वांग्मय प्रतिमूर्ति पूरा वाणी में भरा हुआ है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत कहते हैं कि दो प्रकार की उपासना ही शब्द उपासना के द्वारा ही कलयुग का जीव का उद्धार हो सकता है। दो प्रकार उपासना क्या है? एक है शब्द ब्रह्म की उपासना, दो प्रकार की, भगवान की नाम और भगवान की कथा श्रवण। ये जो भागवत है भगवान की कथा है, तो उसको श्रवण करने से जीव का निश्चित मंगल होगा ही होगा, क्योंकि कथा मंगल, भगवान मंगलमय है, उनकी कथा मंगलमय है। तो ये भागवत की बड़ी विचित्र महिमा है। जिस प्रकार अभी हम सुन रहे थे चतुसंजव कथा, बोले नारद जी ने प्रश्न पूछा कि कोई अगर बहुत ज़्यादा पाप किए हैं और काम अग्नि में दग्धीभूत है, लोभ ग्रस्त है, क्रोध अग्नि में दग्धीभूत है, तो क्या इस प्रकार लोग भी अगर भागवत श्रवण करें तो उनको उद्धार हो जाएगा, क्या उनका मंगल होगा? तो चतुर्सन ने बड़ी सुंदर जवाब दिए कि जे मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह जगेन कलो पुनन्तिते। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई कोई लोग ऐसा होते हैं पाप के अलावा और कुछ नहीं करते, जगत में ऐसा कोई पाप नहीं जिन्होंने नहीं किया, और जिनका फल स्वरूप सदा दुराचार रता बीमार गगा, दूसरा बीमार गगा कुमार्ग में गति करते हैं और दुराचार रत है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, क्रोध में क्रोध की अग्नि में दग्धीभूत है, कुटिल है, कामी है, लेकिन फिर भी ये लोग और कथा श्रवण करे उनका मंगल हो जाता है। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते, कलयुग में उन लोग का सप्ताह यज्ञ में ही पुनंति पवित्र हो जाते हैं, दूसरा कोई और पंथा है ही नहीं। तो फिर नारद जी ने पूछा कि ठीक है महात्मा जी, हम लोग तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारद चतुर्सन ने को जब भागवत कथा बोलने के लिए बोले थे तो नारद जी ने उनको बोले कि आप किसको बुलाए और भागवत कथा करने के लिए, आप जहाँ महात्मा हमारे सामने है तो मैं तो सोच रहा हूँ आपसे ही भागवत की कथा श्रवण करेंगे। तो नारद जी का कथा श्रवण करके उन्होंने बताया उस समय उस श्लोक की बड़ी साधु संघ की महिमा बताए कि भाग्योदय न बहु जन्म समार्जिते न सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान क्रोध मोह मदांधकार नाशं विदेय दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म की भाग्य उदय होने से नहीं, अनेक अनेक जन्म की भाग्य यानी पुंजीभूत जब होता है सुकृति, वो भी भक्ति उन्मुखी सुकृति पुंजीभूत होता है, सतसंगमं च लभते पुरुषो यदावै, साधु संग लाभ होती है। जैसा दुर्विपाक, दुर्विपाक मतलब क्या है? दुहु विपाक, अपना कर्म का दुष्कर्म का फल जब मिलता है उसको कहते हैं दुर्विपाक, दुर्भाग्य पैदा हो गया। तो सौभाग्य क्या है? जो सुकर्म का उत्तम कर्म का जो फल इकट्ठा होकर के प्रगढ़ हो जाते हैं उसको कहते हैं सौभाग्य पैदा हो गया। इस प्रकार भाग्य उदय तो हुआ एक जन्म का नहीं, बहु जन्म का भाग्य जब उदय होता है साधु संग तब मिलता है।
सनातन गोस्वामी पाद बड़ी सुंदर टीका में लिखे हैं बृहद भागवत अमृतम में कि जीवन में कलयुग में मनुष्य जन्म मिल गया और वो भी भारत भूमि में जन्म मिल गया, समझ लो बहुत कुछ बड़ी चीज हो गया। इतना आसान नहीं है सब प्राप्त करना। और उसके बाद अगर साधु संग मिल गया तो समझ लो बस दूसरा फल प्राप्ति हो गया। कहते साधु संग ब्रज रस रसिक भक्त का संग मिल गया तो ये साधन नहीं पूर्ण मात्रा में साध्य है, मतलब वस्तु ही प्राप्ति हो गया। मनुष्य जीवन का सफलता केवल साधु संग में, इसलिए बोले भाग्य उदये न बहुजन्म समर्जित न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावई। लाभ करने से मिलने से क्या होगा, अज्ञान कृत मोह मद अंधकार की अज्ञान के द्वारा जो उनका जीव का हृदय में चित्त में मोह अज्ञान रूपी अंधकार अविवेक है ये सब नष्ट हो जाता है। और दयते विवेक नाशं विदे ये सब नाश हो जाता है और उदयते विवेक विवेक उदय हो जाता है। तो नारद जी ने इसलिए उनको बुलाए और उन्होंने भागवत कथा श्रवण कराया। तब उन्होंने जब पूछा कि कोई अगर जीवन तमाम पाप किया और मर गए प्रेत जोनि तो चतुष ने बात बोले कि देखो नारद जी ये साधारण पाप की बात क्या कहते हो, कोई जीवन काल में जीवन भर पाप ही किया और उनका अकाल मृत्यु हुए हो गया और मरने के बाद उनको प्रेत जोनि मिला और प्रेत जोनि मिलने के बाद अगर प्रेत जन्म में भी फिर प्रेत जोनि में अगर भी वो भागवत श्रवण करे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो नारद जी चाहूंगे प्रेत जोनि में भागवत श्रवण करने से उनका उद्धार हो जाएगा। हाँ जी तो कोई प्रमाण है तो उन्होंने अपना प्रमाण बताए शास्त्र की इतिहास की एक कथा सुनाए चतुषण जिनका नाम है धुंधुकार की उपाख्यान या गोकर्ण उपाख्यान कि तुंगभद्र तटे पूर्वं अभूत पतनमुत्तमं यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म मत्परः कि तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव महाराज बड़ी संत बड़ी सत्कर्म परायण वेद शास्त्र में निपुण ब्राह्मण जन्म लिए थे, मिष्टभाषी श्रुद और शांत चित्त प्रसन्न वदन बड़ी ब्राह्मण की सारी लक्षण उनमें था। अभाव भी नहीं था, घर में धन संपत्ति की भंडार भरा था और पत्नी भी थी, उनका नाम लेकिन था दुंदुली। लेकिन एक अभाव था कि वही दुखी था, ब्राह्मण का दुख का कारण वही था। उत्तम नगर में तो वास हुआ था और पत्नी भी थी दुंदुली देवी, घर भी धन धान्य में भरपूर था, पास में नदी है तुंगभद्रा के नदी है, लेकिन मन में एक दुख था कि एक बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं होने के कारण पड़ोसी हर समय मजाक करते थे, उपहास करते थे, समालोचना करते थे और पुत्र नहीं होने के कारण पड़ोसियों का बात सुन सुन करके दुखी हो गए आत्मदेव महाराज और जंगल में चले गए। ये बिना पुत्र से जीवन धिक्कार है, रहना उचित नहीं है, प्राण विसर्जन कर डालेंगे। जंगल में चले गए, एक तालाब के किनारे बैठे, लेकिन बड़ी सुजोग से वहां पर एक संत महात्मा वैष्णव पधारे, जा रहे थे दूर से देखा अरे ये तो ब्राह्मण देव लग रहा है, ब्रह्म तेज छलक रहा है, लग रहा है कि वो जरूर ज्ञानी है। तो चलो उनके साथ जंगल में मिल गए तो बैठ करके भगवान की कथा कीर्तन साधु संग होगा, इष्ट गोष्ठी होगा, भगवान के बारे में कथा श्रवण होगी तो बड़ी आनंद आएगा, तो वहां पर चले गए। लेकिन ब्राह्मण देव को तो उसमें संत महाराज ने देखा, ब्राह्मण देव बड़ा दुखी है, उदास होकर के बैठे। उन्होंने पूछा कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बड़ी असी बदत्वं
त्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। भो ब्राह्मण जी, भो महात्मा जी, आपके अंदर दुख का कारण क्या है? आप क्यों रोदन करते हो, क्यों क्रंदन करते हो, उसका क्या कारण है? स्वस्य दुःखस्य कारणं, आप अपना दुख की कारण तो बताइए। वदत्वं सत्वरं मह्यं, आप हमको बताइए, हम जरूर आपकी दुख निवारण करने के लिए कुछ अगर होगा तो हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन ब्राह्मण देव तो बोले, महात्मा जी क्या बताऊं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना। हमारे घर संसार बहुत अच्छा है, घर में धुंधली देवी भी पत्नी है, घर बहुत बड़ा है, धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी ये है पितृपुरुष हमारे हाथ से कोई द्रव्य ग्रहण नहीं करते। वृंदा देवी घर में लगाते हैं सुख जाती है, गाय एक भी रखा बंध्या है, उसका पीछे एक ही मात्र कारण है, हे महात्मा जी हमारे घर में कोई प्रजा नहीं है, बेटा नहीं है। संत महात्मा बोले, बेटा नहीं है तो इसके लिए दुख क्यों है? बेटा नहीं तो समझो भगवान की, बेटा हो के कभी कभी बेटा बनने, बेटा होने के बाद भी दुखी होते लोग। चित्रकेतु महाराज जी बेटा के लिए बड़ी प्रसन्न, बड़ी आनंद के साथ प्रार्थना किए, रो रो करके भी प्रार्थना किए अंगिरा ऋषि के पास, उन्होंने बेटा को तो दे दिए लेकिन सुखी नहीं बने, उल्टा दुखी बने। बाद में नारद ऋषि की प्रेरणा से उन्होंने वैराग्य उदय हुआ तो भगवान की पार्षद बने, लेकिन पुत्र किसको मिल जाए और सुखी बन जाएगा ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा देखा जाता है पुत्र बनने के बाद भी वो अगर नालायक बन गया, अयोग्य बन गया, तो समझ लो दुख की भंडारी खुल गया। तो इसलिए पुत्र होकर के अगर नालायक बनना अच्छा नहीं है, समझ रहा हूं तो नालायक पुत्र, पुत्र है तो भगवान की सिंगल कृपा है और पुत्र नहीं है तो समझ लो कि डबल कृपा है। पुत्र नहीं तो डबल कृपा कैसे? भाई बेटा को पढ़ाने में, बढ़ाने में और उनको पालन पोषण करने में, उनको जिम्मेदारी संभालने में दिवन की बहुत समय चला जाता है, और उनको अगर नहीं है, समय बच गया, भगवान के भजन करो। और पुत्र मानना है तो हमारे गोपाल को पुत्र मान लो, भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में मान लो, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी आपका जीवन में मंगल हो जाएगा। ममता अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। कि ममता कहाँ पर भी दोगे, बेटा के ऊपर क्यों देते हो, पुत्र के ऊपर दे दो ना, वही तो प्रेम, भगवत प्रेम उदय हो जाएगा। गोपाल को पुत्र मान लो, गोविंद घोष ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, गोपीनाथ को पुत्र के रूप में ग्रहण किया, गोपीनाथ में, गोपीनाथ आज तक श्राद्ध दे रहे हैं। अभी जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रद्युम्न रानी गुंडीचा के, राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ को वर मांगा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे वंश निवंश कर दीजिए, निसंतान मुझे कर दीजिए। भगवान बोले, वर होगा थोड़ी, कुछ तो देना पड़ेगा। रानी को पूछा, रानी ने बोला कि ठाकुर जी हमको तो आप जैसा कोई बेटा चाहिए। ठाकुर जी स्वयं उनकी बेटा बन गए, पुत्र बन गए, आज तक श्राद्ध भी देते राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को, ये मार्गशीर्ष महीना की अमावस्या तिथि पर। तो ठाकुर जी का पुत्र बना दो ना, जगत के कोई एक पुत्र अगर बनेगा वो उनका जीवन काल में 10 साल 50 साल 60 साल तक तो श्राद्ध ही देगा, लेकिन बाद में नहीं दे पाएगा और नाती पोता को नाम भी याद नहीं आएगा। लेकिन ये लोग तो बहुत अच्छे, अपना पितृपुरुषों का नाम और फोटो सब कुछ संरक्षित रखा है और सबके लिए कर रहे हैं भागवत कथा। लेकिन ऐसा है कि लोग आजकल है कि अपना बेटा के ऊपर परवापा का परम पिता का नाम को याद नहीं रख पाते, भूल जाते। तो भगवान को पुत्र मान लेना अच्छा है। तो आत्मदेव महाराज लेकिन समझ नहीं, बोले महाराज जी हमने भी शास्त्र बहुत पढ़ा, ज्ञान में बहुत कुछ हुआ, ये सब प्रैक्टिकल की बात है। संसार जब हम अंदर घुसते हैं तो कोई अगर पिताजी पापा बुलाने के लिए नहीं हो तब तो आनंद नहीं आता, आप कुछ भी कीजिए। तो संत महात्मा जी ने उनका कपाल को पढ़ करके बोले, देखो आपका कपाल में ऐसा है कि पुत्र सात एक जन्म नहीं, सात जन्म तक भी नहीं। तो ब्राह्मण देव तो माथा बहुत जोर लोने लगे, बोले महात्मा जी मैं तो एक गुण दुखी था और आपके पास, आप पास में आए, मैं तो सोच रहा था दुख मिटाओगे, सात गुण बढ़ा दिया। मुझे तो पता था कि एक गुण, एक जीवन में दुख है कि पुत्र नहीं है,
अभी आप बता दिए सात जन्म तक पुत्र नहीं होगा तो और दुखी बन गया। अभी जो कुछ हो अभी तो सुसाइड करने जा रहा हूँ और आपके नाम लेकर के आपके चरण में पास में ही सुसाइड करूँगा, मैं तो आया ही आत्महत्या करने के लिए। संत महात्मा बोले देखो ब्राह्मण जय ठीक है, एक फल दे महात्मा जी ने, बोले ये फल को लेके खिला देना पत्नी को, जरूर पुत्र होगा। तो उन्होंने गए, बड़ी आनंद के साथ चले गए घर में, सुनती हो धुंधली देव को बुलाए और पुत्र फल को दे दिए, बोले देखो ये जरूर आपके संत महात्मा की कृपा से हमारे घर में कन्या आएंगे, पुत्र होगा, बाल गोपाल खिलेंगे और आनंद हो जाएगा, ले लो ये फल को खा लो। धुंधली देवी तो पत्नी थी ब्राह्मण देव की, लेकिन पूरा उल्टी थी, विपरीत, यानी कुछ नहीं बात सुनती थी पतिदेव आत्मदेव की, लेकिन तो उन्होंने सोचा कि ये फल खाऊंगी गर्भवती होंगी और गर्भवती बनूंगा तो फिर दौड़ नहीं पाऊंगा, चोर आएंगे तो भाग नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ उन्होंने बताया भागवत में। बड़ी सुंदर से उन्होंने बोला, सोचने लगा कि क्या करूँ क्या करूँ, विपत्ति आ गया। तो उनका बहन घर में आई थी, उन्होंने बोला देवी दुखी क्यों आए हो तुम? उन्होंने बोला देखो ये आत्मदेव महाराज कहाँ से गए पता नहीं, फल ले आए, साधु किसने दिया, और जब बेटा होगा तो कैसे खाए क्या करे, हमको ये अच्छा नहीं लगता, अभी तो फ्री हूँ ठीक हूँ। बोले देखो एक काम करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरा अगर पुत्र होगा तो मैं आपको दे दूंगा और आप ये फल हमारे अंदर गाय है परिवार में, गाय को खिला देते, गाय बंध्या है, देखते हैं वो सच है कि बुरा है। तो वही काम किए, कुछ दिन तो झूठ मुठ में गर्भवती हूँ बोल करके लगने लगे, और जो अपना बहन बेटा दे दिए, तो पुत्र देने के बाद उन्होंने लाके पालन किया और फल खिला दिए थे गो माता को। तो धुंधली देवी ने अपना आत्मदेव को बताया कि महाराज जी देखो पतिदेव, हम तो बेटा का नाम मेरा नाम पर ही होगा, मेरा नाम धुंधली है और उनका नाम होगा धुंधुकारी, और गाय को जो फल खिलाए थे एक महीना के बाद एक उन्होंने भी एक पुत्र संतान दान किया, तो जिनका शरीर था पूरा स्वरूप था मनुष्य का, लेकिन कर्ण था गोमाता के जैसा, इसलिए उनका नाम उन्होंने रखा गोकर्ण, लेकिन धुंधुकारी, लेकिन बचपन से गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना धुंधुकारी महाखल बना। साधु का फल गोकर्ण होगा यानी पंडित ज्ञानी जरूर होगा, और धुंधुकारी तो असत संग का फल है, तो धुंधुकारी महाखल बना दुष्ट बना। कुछ दिन के बाद धुंधुकारी बड़े होने लगा, चोरी करने लगा, डकैत करने लगा, शराब पी करके घर में आया, पिताजी कितना समझाए तो उल्टा पिताजी के से लड़ पड़े, बेचारा क्या करे दुखी हो गए, उसी दिन दुखी था कि बेटा क्यों नहीं है और आज दुखी है कि बेटा क्यों हुआ। तो धुंधुकारी जब बहुत ज्यादा दुख देने लगे तो गोकर्ण आत्मदेव महाराज दुखी थे, गोकर्ण बोले कि पिताश्री आप इतना दुखी क्यों हैं, एक काम करो जीवन में कुछ करना है तो भागवत ग्रंथ पढ़ना है, आप जंगल में जाइए वानप्रस्थी हो जाइए और वहां पर भागवत दसव स्कंद पाठ कीजिए। कि उन्होंने फिर घर संसार छोड़ करके उन्होंने बड़ी सुंदर दिया उपदेश दिया गोकर्ण महाराज जी ने, देहेस्तिमंसरुदिरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुतादिशु सदा ममतं विमंच पश्यनिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताश्री बेटा के लिए चिंता मत कीजिए ज्यादा, उल्टा आप ममतां त्यजत्वं पुत्र परिवार से देह संबंधी वस्तु से ममता को त्याग कीजिए, जंगल में जाइए भगवान की भजन कीजिए, भवभक्ति निष्ठ भजन कीजिए। तब तो कर्ण के आदेश से उन्होंने चले गए और घर में परिवेश बनाने ही, क्योंकि धुंधली देवी तो इतना भक्ति में थी नहीं थी और सहज धुंधुकारी साथ में था, तब तो गोकर्ण महाराज बोले जहाँ परिवेश अच्छा नहीं रहकर अच्छा नहीं, चलो तीर्थाटन में चलते। तीर्थाटन में चले गए और धुंधुकारी ने
धीरे धीरे पैसा चाहने लगा, माँ को मांगने लगा, माँ कहाँ से देगी, पिटाई किया तो धुंधुली ने कुआं में गिर पड़े, आत्महत्या कर ली और धुंधुकारी घर में सुजोग मिल गया, असत संग करने के लिए पांच पांच वेश्या को लाए घर में रखने लगे, लेकिन चोरी करने लगा सबको पालन पोषण करने के लिए। तब फिर उन्होंने सोचा सब वेश्याओं ने, मैंने इतना चोरी किया राजा को पता लगेगा तो हम लोग को भी बंधन होकर के अरेस्ट होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रात को सोया था धुंधुकारी ने, उन्होंने गले में फांस तक लगाया, जोर लगा दिया फांस दे करके, लेकिन वो मरा नहीं, मुंह में जलता हुआ अंगार को डाल दिए, आग डाल दिए, तब तो जीवन चला गया धुंधुकारी का। और ये लोग धन संपत्ति लेकर भाग गए। कुछ दिन के बाद जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी न्याय से उन्होंने गोकर्ण महाराज घर में लौट करके आए, लेकिन आधे रात को आए पहुंचे जब, और घर में चले गए और वो ऐसे तो खुला ही था सो गए, लेकिन देखा कि कोई हाथी आ रहे, फिर थोड़ी देर बाद कोई शेर आ रहे, फिर थोड़ी देर बाद और कुछ रूप लेकर के आ रहे। उन्होंने कुछ समझ नहीं पाया कि कौन है, लेकिन गोकर्ण महाराज तो ज्ञानी थे, पंडित थे, भक्त थे, आत्मा बल उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने उनको पूछा कि कस्तुम उग्र तरो रात्र कुतो याम दशामि मां किंबा प्रेत पिशाचो वा राख्यासो सिति संसनः। प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? तो उन्होंने देखा कि एक प्रेत खड़े हुआ और वो बता रहे कि हे भैया जी, अहम भ्राता तो दिअस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, कि मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं अपना दोष से भी मेरा जीवन बर्बाद हो गया, जीवन में पाप ही पाप किया और मरने के बाद प्रेत जन्म मिला, आप कृपा करके प्रेत जन्म से मुझे उद्धार कीजिए। उन्होंने बताया कि क्या, मैं तो तुमको, मैं जब सुना और गया में तुम्हारे लिए मैंने पिंड दान किया, तुम्हारे उद्धार हुआ नहीं? बोले भाई साहब, हमारे तो हुआ नहीं, क्योंकि इसलिए हुआ नहीं, मेरा जीवन में बहुत ज़्यादा पाप किया, ऐसा कोई पाप है नहीं जो मैंने किया ही नहीं, तो सारी पाप के कारण साधारण पाप करता तो उद्धार हो जाता, बड़ी जघन्य पाप करने कारण हमारा उद्धार नहीं है, और कुछ कीजिए। तो सुबह हुआ, गोकर्ण महाराज उठे और देख करके तो लोग घर में आ गए, गोकर्ण महाराज तीर्थ में क्या देखा, वहाँ पर गए थे क्या देखा, बहुत दिन के बाद आप आए। तो गोकर्ण महाराज बोले, तीर्थ में क्या देखा बाद में बताऊंगा, कल रात को क्या देखा पहले बताता हूँ। रात को बताया कि धुंधुकारी हमारे भैया प्रेत बन गया, उनका उद्धार कैसे हो बताओ। बोले महाराज जी, आप होते हुए हमको पूछ रहे गोकर्णों की धुंधुकार की कैसे उद्धार होगा? साक्षात धर्मदेव भगवान भुवन भास्कर सूर्य आकाश में थे, उन्होंने पूछा कि हे सूर्यदेव, आप बताइए कि ये एक प्रेतात्मा का प्रश्न है, उनकी उद्धार कैसे होगा बताइए। तो सूर्यदेव बड़ी सुंदर तरीका से जवाब दिए कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तुभे श्रुतम। सब लोग सुन रहे, सूर्य देव बोले कि आप भागवत कथा कीजिए। गोकर्ण महाराज तो अपना आंगन पे ही भागवत कथा आयोजन किए, जहाँ पर प्रेतात्मा के लिए भी उन्होंने एक सात गांठ वाला बांबू के अंदर, बांस के अंदर उन्होंने प्रेत धुंधुकारी ने बैठा, और गांव के लोग भी सुजग मिला, भागवत श्रवण करने सब लोग बैठ गए। सात दिन बड़ी आनंद के साथ कथा हुआ। पहला दिन कथा जब खत्म हुआ, एक गांठ फट गया बांस का, दूसरा दिन के बाद इस प्रकार से सात दिन में सात गांठ फट गए, गांठ फट गई, और वहां से स्वर्ग से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ के पार्षद थे वहां पर, और अपना शुद्ध स्वरूप को प्रकट करके चतुर्भुज रूप धारण करते हुए धुंधुकारी ने विमान के ऊपर बैठ गए। तो गोकर्ण महाराज बोले और उन्होंने प्रणाम किया,
तो भाई गोकर्ण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी आपकी कथा श्रवण करने के कारण हमारे प्रेत ध्वनि से सीधे सीधे वैकुंठ पार्षद स्वरूप प्राप्त हो गया और मैं तो जा रहा हूँ, आपको बहुत धन्यवाद प्रणाम। तब गोकर्ण महाराज बोले कि हमारे अंदर एक प्रश्न है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आने ताने विमानानि नते संजुगपत कुतः। कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पर बहुत सारे श्रोता है लेकिन किसका ऐसे स्वरूप धारण नहीं हुआ, केवल उनका ही उद्धार क्यों हो गया। तो फिर विष्णु पार्षद ने बताया कि श्रवणम समभागेन, कि श्रवण तो समान सब लोग ने किया लेकिन श्रवण करने की वृत्ति से फल भेद आ गया। तो ये लोग तो श्रवण कर रहे थे लेकिन ऐकांत की श्रद्धा के दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो गोकर्ण धुंधुकारी बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया उसके कारण उनका उद्धार हो गया, बाकी लोग का तो नहीं हुआ। सब लोग चौंक गए, गोकर्ण महाराज उन लोगों के लिए फिर भागवत कथा के आयोजन किया और सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ ये भागवत कथा श्रवण किया और 7 दिन के बाद सारी गांव में जितने भक्त लोग श्रवण कर रहे थे सबका सीधा सीधा गोकर्ण महाराज विमान आया और सब लोग को लेकर के चले गए। और नारद जी वहाँ पर बताते हैं कि जहाँ जब भागवत हो गया फिर भगवान गोकर्ण महाराज जब चतुसन ने भागवत किया तो भागवत होने के बाद तो भगवान पूरा पूरा प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया उद्धव कांस्य धारी वीणा धारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता जिनोर भृत इंद्र अबाधित मृदंग जय जय मुकुट सुकरा कीर्तने तो कुमारा यत्राग्रो भाव भक्ता सरसरनया व्यास पुत्रो वभूव। वहां पर प्रहलाद ताड़धारी तरल गति तया प्रहलादी प्रहलाद जी ताड़ ले लिए और उद्धव ने उद्धव कांसर उठा दिए तो नारद जी ने वीणा पकड़ लिए, सब लोग बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे। कीर्तन की भागवत कथा की संपूर्ण होने के बाद बड़े सुंदर कीर्तन की महारास होने लगा और सब लोग नाचने लगे, बड़ी सुंदर कीर्तन हुआ। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु भगवान प्रसन्न हो गए, बोले नारद जी आपके द्वारा जो भागवत कथा हुआ चतुसन ने भागवत कथा किए तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांगो। नारद जी ने वर मांगा कि हे प्रभु ठाकुर जी आप मुझे इतना दीजिए कि ये जो भगवान की आपकी कृपा से जहाँ पर भागवत कथा होगी आप वहाँ पर प्रकट होंगे और सबको कृपा करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तथास्तु। तो इसलिए भागवत कथा जहाँ होती है साक्षात तो स्वरूप वांग्मय प्रतिमूर्ति भगवान की श्रीमद् भागवतम शास्त्रम साक्षात नारायण एवं ही, तो भगवान की स्वरूप तो है ही और साक्षात रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं और सबको कृपा करते हैं। और जो भागवत की ऐसा है जिनके उद्देश्य से भी भागवत होती है तो सब लोग भागवत कथा श्रवण करके सबका कोई किसी भी अवस्था में क्यों न हो संकल्प मात्र ही उनका उद्धार होती है, मंगल हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो काल फिर भागवत की मंगलाचरण और अनेक सारे भागवत की कथा श्रवण करेंगे। कल चंद सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण कल 10 से लेकर के कितने 2 बजे तक, 2:15 से लेकर के 10 बजे उस समय में हम यहाँ पर लोग कीर्तन करेंगे, जो उसमें दर्शन करना चाहते हैं कीर्तन दर्शन करें। उसके बाद में जो कथा यहाँ 4 बजे होती थी, 4 बजे नहीं हो करके क्योंकि कथा 4 बजे समाप्त होगी, कीर्तन 4 बजे समाप्त होगी फिर इतना समय लोग बैठ नहीं सकते, इसलिए कथा को हम 5 से लेकर के 6:30 तक 1.5 घंटे तक कथा होगी।
महाराज बता रहे काल सूर्य पराग है और पराग के कारण कल 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर कीर्तन होगी, 2:30 बजे तक। तो हम लोग फिर आप लोग को निवेदन है कि आप लोग कीर्तन भी सुन सकते हैं लाइव के द्वारा, देख सकते हैं। और लेकिन जो भागवत कथा होगी, कल की भागवत कथा 1 घंटा विलम्ब में होगी, यानी 5 बजकर कथा शुरुआत होगी और 6:30 बजे जैसा आरती के समय फिर कथा बंद रहेगी, वो इंडियन टाइम पर। तो आप सब लोग को उसी हिसाब से प्रस्तुत रहिए और भागवत कथा श्रवण कीजिए। जिस समय ग्रहण हो उस समय में कोई खाना पीना कुछ नहीं करने का है, रसोई नहीं बनाने का है, और समय कीर्तन हरि कथा मंत्र जो लोग उस काल की ग्रहण के समय सब लोग जहाँ पर है तो वहाँ पर भी ये नियम पालन कीजिए कि महाराज जी कहते हैं कि सब लोग अपना खाना पीना नहीं करना, थोड़ी देर पहले खा लेना चाहिए, पेट में ज़्यादा भोजन नहीं रहने से अच्छा है। और कीर्तन करे, हरिनाम करे और भागवत आदि ग्रंथ पढ़े, कथा सुने, इस प्रकार सब परमार्थिक क्रिया करना चाहिए। और सूची के बाद जब ग्रहण मुख्य के बाद फिर सब लोग स्नान करके फिर मंत्र आदि करके प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, भगवान को भोग लगा। हम लोग वही करेंगे। कल महाराज जी थोड़ा प्रोग्राम बदला रहे कि हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक कीर्तन करेंगे और 12 बजे से भागवत कथा हो जाएगा और 2:30 बजे तक जो लोग देख रहे हैं उसी नियम इसके हिसाब से फॉलो करें। 12 बजे से कल दिन में इंडियन टाइम के अनुसार 12 बजे से 2 बजे तक कल भागवत कथा होगी, कल की कथा, ठीक है। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भागवत कथा के कारण बहुत अच्छा है, बहुत रोज रोज सुंदर अच्छा अच्छा प्रसाद हो रहा है, सब लोग व्यवस्था किए। हरे कृष्ण।